और मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं इसी कम्युनिटी का पार्ट हूँ जहाँ पर इतने ज्यादा मतलब कह रहे प्रतिभाशाली लोग काम कर रहे हैं। कुछ भी काम करते हैं बुरे से बुरे पहले सोच लो आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाते हम। एक्चुअली ये सीक्रेट अब कुछ सीखना है हमको, हम क्या कुछ करते ही कर नहीं करते हैं। हमारा हम कौन है, हम ही है। और आपको कौन रोकता है, आपको आप ही रोकते हो। हेल्थ का मामला है, किशोर जी को कौन नहीं जानता, इतना उन्होंने मतलब फैला दिया है कि हेल्थ का मामला और कितना इजी कर दिया है सबके लिए, कितना आसानी से आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत वीरेंद्र गांधी जी और मैडम का सभी को मेरा नमस्कार। गोविंद जी थैंक यू सो मच आप आए। करीब 1.5-2 महीने पहले मैंने किशोर जी को फोन किया कि हम कोई ऐसा प्रोग्राम करना चाहते हैं और इन्होंने एक सेकंड में उस चीज को अप्रिशिएट किया। बिना ACI की टीम के हम ये शायद नहीं कर पाते, क्योंकि आई थिंक गोविंद जी को सिर्फ मैं यहाँ पे जानता हूँ, बाकी सब लोग आप किशोर जी के साथ जुड़े हुए। So, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप यहाँ पे आए और हमारे प्रोग्राम को आपने सक्सेसफुल बनाया, थैंक यू सो मच। कई बार मैं शाइस्ता बोल देता हूँ जबकि इनका नाम है शाइस्ता खान। थैंक यू सो मच किशोर जी, इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर विद ऑल ऑफ यू गाइस। बिकॉज मैंने सभी के प्रोफाइल पढ़े पर्सनली, मेरे पास सबकी डिटेल्स आई थी, आई एम फीलिंग रियली एक्साइटेड एंड एंथुसियास्टिक आल्सो, क्योंकि इतने टाइम से मतलब जब से मेरी प्रैक्टिस है उससे कई साल पहले से यहाँ पे डॉक्टर्स प्रैक्टिशनर्स मौजूद हैं जो होलिस्टिक्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं इसी कम्युनिटी का पार्ट हूँ जहाँ पर इतने ज्यादा मतलब कह रही प्रतिभाशाली लोग काम कर रहे हैं। और एक ही कम्युनिटी जो होने के नाते हमारा एक ही नारा है, लेट्स वर्क फॉर वेलनेस टुगेदर, और हमेशा और हेल्थ का मामला है, किशोर जी को कौन नहीं जानता, इतना उन्होंने मतलब फैला दिया है कि हेल्थ का मामला और कितना इजी कर दिया है सबके लिए, कितना आसानी से आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। तो हमें हमारा काम समय पर करना होता है। अभी मैंने जो चाइना गया वहां से देखा, मैं एक फैक्ट्री में गया था, क्या चीज मेरे को एक एक बताई उन्होंने, एक एक वर्ड के ऊपर कैसे बना रहे हैं सब बताया, कोई नहीं बताता मशीन कैसे बनती है, कौन क्या कर रहा है, वीडियो बना के दिया। लोग वीडियो नहीं बनाते, बोला नहीं ये कॉम्पिटिटर के पास जाएगा, मेरा सब सीक्रेट है, ओपन कर लेगा, नहीं कर सकता, आपकी नकल लोग करेंगे। देखो हम किसी से इंस्पायर होके कुछ करेंगे लेकिन उनको एज इट कॉपी नहीं कर सकते, एटीट्यूड कॉपी नहीं कर सकते हम, वो देख के पैदा होते जन्म से। एक्चुअली ये सीक्रेट अब कुछ सीखना है हमको, हम क्या कुछ करते ही कर नहीं करते हैं। हमारा हम कौन है, हम ही है। और आपको कौन रोकता है, आपको आप ही रोकते हो। आपका दोस्त आपसे बड़ा कोई दोस्त नहीं, आपसे बड़ा कोई दुश्मन नहीं, ये आपका दिमाग वहां से स्टार्ट होता है। हम कुछ भी काम करते हैं पहले दिमाग से अंदर ही, नहीं मैं ये नहीं कर सकता, अगर आपको कोई बोल रहा है ये मत करो, उससे कुछ उससे सलाह मत लेना, उसकी एक बार लेके देख लेना, जो आपको ना बोले उससे आप कभी मत लेना सलाह, जो आपको बोले हाँ तुम जो सोच रहे हो अच्छा है लेकिन तुमको ये ध्यान रखना चाहिए। कुछ भी काम करते हैं बुरे से बुरे पहले सोच लो आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाते हम, क्योंकि माइंड ही आपको बोल देगा नहीं मत करो तुम नहीं दे पाओगे, तुम्हारी जिम्मेवारी है, बच्चों की फीस देनी है, वो करना ये करना वो करना है, भगवान पे छोड़ दो। आपके दिमाग में आइडिया आया इसका मतलब आप उसको करोगे, नहीं तो नहीं आता, आइडिया सबके दिमाग में नहीं आता। अच्छा ये बॉडी हमको भगवान ने दिया, इसका कोई प्रॉपर मैनुअल जैसा मतलब कैसे हमको कैसे अप्लाई यूज करना है या क्या क्या बीमारी आ सकती है, एक ही बुक जैसे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है अवेलेबल, वो बना के दे रहे हैं आपको, लोगों तक फैला दो सब जगह, मतलब आपको बाल को बचाना क्या करना, दांत को बचाना क्या करना चाहिए, कितने प्रकार की बीमारी हो सकती है, पेट क्यों खराब होता है, कैसे उसको बीमारियां हो सकती है, कैसे रोक सकते हैं, वो सब ऑप्शंस। वैसे तो हेल्थ बहुत बड़ा है, प्रॉपर हेल्थ क्या है उसकी तरीके से परिभाषा देना हर किसी के बस की बात नहीं है, और हम जो जिस फील्ड में उसको अल्टरनेटिव थेरेपी बोल दिए गए हैं जबकि वो होलिस्टिक है, ऐसे देखा जाए तो पूरी दुनिया में जितने भी सिस्टम है सब अल्टरनेटिव है, एलोपैथी भी अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव का मतलब है आप वो करके देखो उसमें काम हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो दूसरे मेथड की अप्लाई करके देखो,
क्योंकि भगवान ने हमारा शरीर बनाया, किस रूप में हम आए दुनिया में, कौन सी जगह थी, क्या खाया था हमारी माँ ने, उसके बाद हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उसका निर्भर करता है और उसी से हमें बीमारियां क्रिएट होती है। तो सभी लोगों के लिए एक ही सिस्टम से हम इलाज कर देंगे वो संभव नहीं है।